हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? आप सबका आरएसएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 7वां बनाने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सर्व समीकरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये देख रहे हो ना, ये क्या है आपका, यहाँ जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये हो गया आपका एल एच एस और ये क्या हो गया आपका आर एच एस। यानी कहता है कि एल एच एस को हल करके आर एच एस लाना है। क्या कह रहा है कि एल एच एस को हल करके आर एच एस में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल एच एस को हल करेंगे। तो एल एच एस को हल करने के लिए सबसे पहले यहां हम लिखेंगे क्या, एल एच एस। अब एल एच एस में क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपन में टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है क्या कि आप इसको सबसे पहले यहां पर साइन को कॉमन ले लो। तो साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा कौन चीज यहां पर, यानी यहां हमारा बचा क्या, वन, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो कि ऐसा क्यों, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टू साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक, चले ये यहां से इतना हो गया। अब उसी तरह से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे। तो कॉस कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉस थीटा को कॉमन ले लिए और ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर यहां पर क्या लिए, टू है तो टू लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कॉस है तो यहां पर लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस उसके बाद लिखेंगे क्या, यहां पर वन लिख देंगे। ठीक है, अब देख लो यहां पर, अब आपको मालूम है कि साइन इनकी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है टेन थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिए। अब उसके बाद ये जो यहां पर है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और अपन में क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, लगा दें यहां पर। हाँ, तो फिर हम लोग यहां क्या देखेंगे कि टेन थीटा जैसे वैसे रहने देंगे इसको, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और अपन में क्या हो जाएगा, यहां पर टू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद ये माइनस वन जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह रहने देते। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर टेन थीटा, फिर टेन थीटा लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और बटे में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस टू से इस टू को वन से मल्टीप्लाई तो टू हो गया, और टू को फिर साइन स्क्वायर से गुणा कर दे तो टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको यहां से ऐसे करके, और सॉरी ब्रैकेट में बंद नहीं करना है। ठीक है, और माइनस वन जो है यहां पर वो वैसे ही रहने देगा। ठीक, अब देखिए
ये वन से इस वन से इस टू को घटा देंगे, माइनस वन से प्लस टू को घटाएंगे तो क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वन, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसके वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन, ठीक है, यानी वन इससे घट गया, टू से वन घट गया, यानी ये वन जो है इस टू से घट गया तो वन बचा, और टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट वन। आप देख लो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गए, तो आपके पास बचा कौन सी यहां पर, तो यहां बचा क्या आपका, टेन थीटा इंटू वन बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है, क्लियर हो गया।